नॉर्थ केनिया के सुम्बारू में लगभग 500 साल पहले पितृसत्तात्मक समाज था, मगर 3 दशक पहले ये सिचुएशन बदल गई। इसे बदलने वाली महिला का नाम था रेबेका लोलो सोली। इन्होंने खुद के दर्द के साथ साथ दूसरी महिलाओं के दर्द को समझा और महिलाओं के लिए एक गांव बना डाला। इस गांव का नाम उमोजा है। 30 साल पहले साल 1990 में 15 पीड़ित महिलाओं के लिए रेबेका ने ये गांव बसाया था। ये वो महिलाएं थीं जो ब्रिटिश सैनिकों द्वारा यौन उत्पीड़न से बच गई थीं। इन सभी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए रेबेका के साथ कुछ पुरुषों ने मारपीट भी की। इस गांव को बसाने पर रेबेका को कई तरह की धमकियों का सामना भी करना पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो उमोजा में अब घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी यातनाओं का शिकार हुई महिलाओं को आसरा दिया जाता है। इस गांव में एक भी पुरुष नहीं है और महिलाएं इस बात से खुश हैं। वो नहीं चाहती कि एक पितृसत्तात्मक समाज में रहना, उनकी यातनाएं बर्दाश्त करना। यहाँ पर सारा काम खुद महिलाएं करती हैं। अपनी जीविका के लिए वो पर्यटकों को सस्ते दामों पर उमोजा की सैर कराती हैं। इस गांव ने आसपास के गांवों की महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक महिला होने के नाते अपने अधिकारों और हक को समझने पर जोर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।